हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अमेज़ॉन से हमने एक ट्राईपॉड मंगाया है, एल्यूमिनियम ट्राईपॉड, जो कि मोबाइल एज वेल एज कैमरे के साथ कंपैटिबल है। आज हम इसके अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, लेट्स सी। तो ये है इसकी पैकेजिंग। पैकेजिंग भी अच्छी करी है, और ये इसके साथ इसका बिल आया है। इसे हम जल्दी से खोल लेते हैं। तो बॉक्स में कोई कंपनी का नेम नहीं है, और अंदर कुछ एक स्टिकर है टाइगॉट कंपनी का, रजिस्टर योर प्रोडक्ट। सबसे पहले ये एक मोबाइल, शायद मोबाइल टांगने के लिए है। फ्लेक्सिबल है, ये क्वालिटी तो अच्छी लग रही है इसमें। यहाँ पे इसमें रबर भी है। तो ये है ट्राइपॉड। ये एल्यूमिनियम का ही है, प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक बॉडी नहीं है, और अच्छा है। 349 रुपीज में एल्यूमिनियम का मिल रहा है, और ये है 360 डिग्री रोटेट होने वाला इसका रोटेटर। ये इसका एंगल है जिससे हम सेट कर सकते हैं, जो भी एंगल सेट कर सकते हैं। और ये इसका नॉब है जिससे खोल के इसे हम इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। इसकी हाइट एज पर अमेजोन 30 सेंटीमीटर से लेके 106 सेंटीमीटर जा सकती है, जो कि यहाँ के नॉब्स खोल के भी इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, इसका एक ही लेग बनाया हमने, काफी ज्यादा अच्छा हाइट है इसकी। तो मैंने इसकी हाइट कंपेयर करने के लिए इसे नीचे रख दिया है, और इसकी हाइट आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3 फिट है। ये जो गेट है ये 6 फिट का है, और ये ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द गेट कवर कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे अपनी ओरिजिनल हाइट पे कर दिया है वापस, और इसकी मुझे खास बात ये लगी, बहुत लाइट वेट है ये, मुश्किल से 100-200 ग्राम का होगा। और इसमें नीचे एंटी स्क्रैच रबर भी है तीनों में, तीनों लेग्स में। और दूसरी अच्छी बात इसकी यह है कि इसमें ये जो बबल है ये भी दिया है, जो कि इसके प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी बात है। और ये जो इसके जो बबल है ये हमेशा सेंटर में रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन भी सेंटर में ही है। अगर ये हल्का सा लेफ्ट या राइट है तो आपके फ़ोन का एंगल गलत है, तो ये हमेशा सेंटर में रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इसको हल्का सा नीचे करता हूँ, ये देखिए, अगर आपका फ़ोन ऐसे लगा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट में चला जाएगा, तो आपको उसको सेंटर में ही रखना है हमेशा। मैं इसको सही कर देता हूँ वापस, ये सही हो गया। तो अब हम आते हैं इसके नॉब्स पे। तो इसका फर्स्ट नॉब फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम डाउनवर्ड्स इसका ये है, जिस जो इसकी हाइट के लिए है। इसको हम खोलते हैं तो ये इसका हाइट बढ़ जाती है यहाँ तक। मैं इसको वापस से सही पुरानी पोजीशन में ले आता हूँ इसको। तो एक नॉब तो ये है इसका। दूसरा नॉब ये है इसका, जिसमें ये 360 डिग्री के लिए है ये। तो ये इजीली इसको आप यहाँ से ऐसे घुमा सकते हैं। ये दूसरा नॉब है इसका। और थर्ड नॉब इसका यहाँ पर है, जो कि हम इसे अभी खोलते हैं तो ये अप डाउन के लिए है। ये पूरा अप डाउन हो जाता है इससे, देखिए। अब हम इसमें फ़ोन लगाएंगे, और फ़ोन लगा के दिखाएंगे। फ़ोन के लिए हमें एक ये फ़ोन लगाने का टूल भी आया है साथ में, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे लग जाएगा इसके, और नीचे नीचे वाला एक नॉब है बीच में छोटा सा, ये देख। और फोन को आप यहाँ ऐसे इसको ऊपर करके, अब आपको अगर साइड में ऐसे करना है तो उसको खोल लीजिए।
चारों तरफ घूम जाएगा इससे, ये देखिए ठीक है। और अगर आपको ऊपर नीचे करना है फ़ोन को तो यहाँ से खोल लीजिए इसको, ये हो जाएगा फ़ोन यहाँ से ऊपर नीचे, ये नीचे हो गया, यहाँ से बंद कर दीजिए इसको। और अगर आपको साइड में ऐसे ये जो हैंडल है इससे भी आप इसको फ़ोन को ऑपरेट कर सकते हैं ऐसे। फ्रेंड्स ये मुझे बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा, मैं इसे 4 out of 5 स्टार दूंगा इसके प्राइस के अकॉर्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स डाउन एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट।